दर्शकों को वीरेंद्र मिश्र का नमस्कार। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की। जैसे कि हमारी मान्यता रही है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम च वसुधैव कुटुम्बकम्। सारी वसुधा हमारी कुटुंब है, सारी वसुधा हमारा परिवार है और पूरे विश्व परिवार को हम मान के चलते हैं, तभी हमारी वेद विज्ञान की संस्कृति सारे विश्व में पुष्पित पल्लवित है। आज सारे विश्व में वेद विज्ञान की अलख ज्योति निरंतर जल रही है और उसकी पताका लहरा रही है। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण श्री राम भद्राचार्य जी महाराज से, जिन्होंने अपनी कहानी स्वयं लिखी है, अपनी तरह की कहानी लिखी है जो इसकी इस युग की युगीन गौरव के रूप में स्थापित है। और देश दुनिया में कहीं भी जाइए, इस स्थान के साथ अगर चर्चा होगी तो उसमें महाराज श्री की चर्चा जरूर आती है। महाराज जी, हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और समूचा राष्ट्र आपकी ज्ञान संपदा श्री राम भक्ति के प्रति समर्पित है। तो हम क्यों ना पहले उस चित्रकूट को लेकर के जरा आपसे आरंभ करें चर्चा। चित्रकूट विहार ने नमः। साधना की दृष्टि से यदि मुझसे कोई पूछे तो सारे संसार में एकमात्र ऐसा स्थान चित्रकूट है जो पवित्र और जहां कली का कोई प्रभाव ही नहीं है। अन्य तीर्थों में कली का प्रभाव है, प्रदर्शन है, पर चित्रकूट में आज भी प्रदर्शन नहीं है। और वाल्मीकि तो कहते हैं, यावता चित्रकूटस्य नर श्रृंगाणि वेक्षते कल्याणानि समाधत्ते नमोहे कुरुते मनः। जितनी बार चित्रकूट के शिखरों का व्यक्ति दर्शन करता है उसके कल्याणों का समाधान हो जाता है और उसका मन मोह में लगता ही नहीं। चित्रकूट में भगवान राम 12 वर्ष विराजे, सीता जी के सहित, लक्ष्मण जी के सहित। और गोस्वामी जी का तो कहना है कि 12 वर्ष तो ठीक है पर चित्रकूट सब दिन बसत। सतत भगवान सीता लक्ष्मण जी के साथ भगवान राम चित्रकूट में विराजते हैं। तो आज भी भगवान के दर्शन वहाँ प्रत्यक्षतः होते ही हैं। इसी वेश में नर रूप में धनुर्बाण धारण के हुए लक्ष्मण जी के साथ, सीता जी के साथ भगवान राम के उसी प्रकार कुल किरातों से खेलते हुए, सबको दुलारते हुए, सारे संसार को समता का भाव सिखाते हुए, राष्ट्र धर्म की ज्वलंत कहानी कहते हुए और राष्ट्र धर्म की शिक्षा देते हैं भगवान राम। आज भी इसी रूप में दर्शन देते हैं और बहुत लोगों को दर्शन होते भी हैं। इसीलिए मैंने इसी चित्रकूट में ही विश्व का विकलांगों का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय बनाया, चित्रकूट जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश, जहाँ आज 2000 दिव्यांग भाई बहन पढ़ रहे हैं और सबको मैं निःशुल्क भोजन, निःशुल्क शिक्षण और निःशुल्क निवास दे रहा हूँ। और वहाँ पारंपरिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक शिक्षा का भी हम व्यवस्थापन कर रहे हैं, जिसे BA MA के साथ साथ BEd MEd स्पेशल और जनरल दोनों, BTEC MTEC, BMUG MUG, BSW MSW इत्यादि ऐसी शिक्षा जिसको पाकर बच्चे बेरोजगार न रहे, सबको जीविका मिले। और मुझे आपको यह बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे चित्रकूट विकलांग विश्वविद्यालय से पढ़कर आज की तारीख में 5,000 लोगों ने जीविका पाई। बड़े बड़े विद्यालयों में बच्चे गए विश्वविद्यालय में, अब खेल के लिए तो हांगकांग भी अभी हमारे यहाँ का एक विद्यार्थी गया था। हमारे यहाँ की शिक्षा को पाकर, यहीं से स्वावलंबिता की शिक्षा पाकर और यहीं से अनुभव प्राप्त करके 3 लड़के IAS हुए, दृष्टिबाधित लड़के। एक लड़का IAS होकर यहीं मध्य प्रदेश के उमरिया नामक जिले में था, एक राजस्थान में, एक उड़ीसा में। तो मैं यह कहने जा रहा हूँ कि चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि है, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। तो भगवान राम की कर्म भूमि में ही को ही मैंने अपना कर्मक क्षेत्र चुना और मैं बहुत प्रसन्न हूँ चित्रकूट के कर्मक क्षेत्र से। और आज जब आप विचरण करते हैं चित्रकूट में, उन स्थानों से गुजरते हैं जिन स्थानों पर भगवान श्री राम ने
अपने सतयुग के बाद उस त्रेता युग में जब आए महाराज जी ने, तो क्या क्या उसमें रामचंद्र जी जहां जहां भ्रमण किया, जिन जिन स्थानों पर रहे, वो सारे स्थान पवित्र हो गए। निश्चित इसी गोस्वामी जी ने कह दिया, देखे थल तीर्थ सकल भरत पांच दिन माच। पांच दिनों में दर्शन किया जाता है, जैसे ब्रज चौरासी है ना, ब्रज चौरासी, अयोध्या चौरासी, उसी प्रकार चित्रकूट भी चौरासी रोग कोष की चित्रकूट की परिक्रमा है। और पावनता तो बहुत है, भौतिक दृष्टिवाद उतना नहीं है, और आध्यात्मिक दृष्टि से तो मैं मानता हूँ चित्रकूट जैसा स्थल पूरे भारत में कहीं नहीं है। देखिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तो मनोवृत्तियों के आधार पर है। कैसे? जिसके जीवन में सात्विकता है वहाँ सतयुग है, जहाँ सात्विकता और रजोगुण का मिश्रण है वहाँ त्रेता है, जहाँ तीनों थोड़े थोड़े हैं वहाँ द्वापर है, जहाँ रजोगुण कम और तमोगुण अधिक वहाँ कलयुग है। कुल मिला के कह दिया जाए कि जो राम राज दुख काहू न व्यापा, जो भगवान श्री राम के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तो आज के रूप में आज भी उसी प्रकार का हो सकता, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। आज भी यह था, कुछ समय समष्टि में था यह त्रेता, आज व्यष्टि में है, पर आज भी है कि यदि सात्विकता और रजोगुण का मिश्रण हो, अर्थात चिंतन और कर्म की जहाँ समष्टि बन जाए, जान लो त्रेता है। ये दोनों के समष्टि की बात है, चिंतन के साथ यदि कर्म जुड़ गया तो त्रेता, और जहाँ चिंतन बहुत कम कर्म प्रभावी तो वहाँ द्वापर, और जहाँ कर्म के साथ तमोगुण जुड़ गया वहाँ कलयुग। महाराज जी कितनी अद्भुत बात है, आपको पद्म विभूषण मिला है, राष्ट्र का सम्मान मिला है, राष्ट्र के पद्म सम्मानित विशिष्ट आचार्यों में से आप हैं। आज के दिन में, आज के समय में अगर आपको देखा जाए, तो दृष्टि बाधित की जो बात कही जाती है, तो दृष्टि बाधित तो कहीं है ही नहीं। दृष्टि की बाधा को आपने निर्मूल साबित कर दिया, वो तो कहीं नजर ही नहीं आता, वो लगता है साक्षात भगवान राम से दर्शन करते हुए, साक्षात करते हुए अपनी कहानी आप कहते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और हजारों छात्र छात्राएं आपकी इसी विश्वविद्यालय से पढ़ करके निकल रहे हैं। तो ये दिव्यांगता को लेकर के जो लोगों में भ्रांति है, जो नहीं जानना चाहते, मैं चाहता हूं कि आप उनको बताइए। देखिए एक ईश्वर का नियम है, प्रारब्ध के आधार पर यदि किसी व्यक्ति के कुछ अंग कम होते हैं तो उनकी अपेक्षा बहुत अधिक दे देते हैं, थोड़ी सी कमी और विशेषता बहुत अधिक। अब जैसे मेरे ही प्रारब्ध के अनुसार मेरी दृष्टि चली गई जन्म के 2 महीने बाद, पर इतना दे दिया ईश्वर ने कि मैं उसको कैसे बताऊँ आपको। जीवन के 5वें वर्ष में मुझे पूरी गीता कंठस्थ हो गई, 8 वर्ष पूरे करते करते संपूर्ण रामचरितमानस का अक्षरशः कंठस्थ हो गया मुझे। मैंने शिक्षा जब प्राप्त की तो किसी भी कक्षा में मैंने 99% से नीचे अंक कभी देखे नहीं। 2 बार यूनिवर्सिटी को टॉप किया, पूरी फैकल्टीज को, स्नातक और परास्नातक दोनों में 9-9 स्वर्ण पदक जीते हमने, और PhD और DLit सब किया। आज JRF की बात करते हैं लोग, जब JRF विश्व UGC ने प्रारंभ किया था तो उसमें केवल 8 लड़के चुने गए थे 1978 में, उसमें 8ों में पहला स्थान मेरा था, सोचिए बा, मैं JRF भी हूँ। और महाराज जी आपने जिस तरह से अपने विद्यार्थियों को जिस तरह से शिक्षित किया है, वैदिक ज्ञान की जो शिक्षा दी है उनको, आपके विद्यार्थी में से कुछ विद्यार्थी यहाँ पर भी मौजूद हैं, इन विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अपने देश भर में जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं, जो दृष्टि बाधित हैं, उनमें कोई बाधा नहीं है, कोई किस तरह से नहीं, मैं तो मानता हूँ दिव्यांगता एक कोई अभिशाप नहीं है, यदि व्यक्ति चाहे तो विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। ये तो देखिए अपने पुरुषार्थ पर होता है, व्यक्ति चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं आज इतने कहूँगा कि कुछ भी कर लें, कितनी भी बड़ी विकास यात्रा हो, पर विकास यात्रा तब तक सफल नहीं होगी जब तक राम सापेक्ष राष्ट्रवाद नहीं होगा। इसलिए
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी राम सापेक्ष राष्ट्रवाद तो स्वीकारना ही पड़ेगा। तो राम ही, श्री राम ही एक ऐसे हैं जिनसे राष्ट्र का मंगल संभावित है। इसलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम पहले जितने प्रासंगिक नहीं थे उससे करोड़ों गुने आज प्रासंगिक हो गए हैं। आज सब, आज कथा में भी व्यवसाय आ गया है, जनता को रिझाने का काम तो किया जा रहा है पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा कोई दे नहीं रहा है। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जही सपने हो पर नार नहेरी। भगवान राम कहते हैं, मैंने सपने में भी पराई नारी का चिंतन नहीं करती। ये सब क्यों हो, ये कठोर कानून क्यों बनाने पड़े। तो मेरा तो यही मानना है कि राष्ट्र को 21वीं शताब्दी में अखंड संप्रभुता संपन्न बनना है तो इस राष्ट्र में जन जन को श्री राम की नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी पड़ेगी। एक बड़ा अनुसंधान हुआ, शोध हुआ 2001-2002 में महाराज जी, हमने इसको पढ़ा, हमारे पास इसका एक डॉक्यूमेंट भी हमारे पास उपस्थित मिला हुआ है हमको। उसमें ये है कि दुनिया के सातों महाद्वीप जो हैं, सातों महाद्वीप में 1200 से अधिक शहरों के नाम जो है भगवान श्री राम के नाम पर है। चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे यूरोप हो, सब जगह है। ये बहुत बड़ी बात है। राम सार्व जगत का है, चराचर जगत के हैं। उनको जो इधर उधर करके बातें करते हैं वो बिल्कुल भ्रम है, भ्रम है। आप क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, राम माने राष्ट्र और मां माने मंगल, जिनसे संपूर्ण राष्ट्रों का मंगल होता है उन्हीं को तो राम कहते हैं। राम नाम ही बता रहा कि राष्ट्र का मंगल। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, केवल अयोध्या मंगल हेतु नहीं कहा गया। राम जी का व्यक्तित्व जगत के मंगल के लिए है, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। तो ये तो राजनेताओं की रोटी है, चल रही है समय काल में ये है। लेकिन एक बात और है कि आपको राष्ट्र का सम्मान मिला, पद्म विभूषण मिला, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अपनी तमाम समस्याओं को धिक्कारते हुए, उन्हें धता बताते हुए, उन्हें पीछे ढकेलते हुए आपने सैकड़ों किताबें तक लिख डाली है। हाँ, कैसे ये सब संभव हुआ, ये सब चीजें जरा कुछ बताइए ना आपने। अब तक कम से कम पहले तो देखा था 170 कल गिना था 175, आज अभी गिन रहे थे तो 180 किताबें अब तक मैंने लिखी। कुछ किताबों का जिक्र करिए, उसका बताइए ना। एक स्तोत्र काव्यों का संकलन है, ये 100 पुस्तकों का संकलन तो यही है, 101 स्तोत्र हैं। और भिन्न भिन्न स्तोत्र काव्यों के अतिरिक्त देखिए, प्रत्येक व्यक्ति एक ही अपने जीवन में एक महाकाव्य लिख पाता है, परंतु भगवान की कृपा, आप सबका स्नेह, कालिदास ने जैसे 2 महाकाव्य लिखे, रघुवंश महाकाव्यम और कुमार संभव महाकाव्यम। कुमार संभव उनका अपूर्ण महाकाव्य माना जाता, पूर्ण नहीं माना जाता, 8 सर्ग मिलते हैं उसमें, परंतु भगवान की कृपा, भारत माता का आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह और हमारे विद्यार्थियों का श्रम सहयोग, इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है विद्यार्थियों ने, तो मैंने पूर्ण 2 महाकाव्य लिखे संस्कृत में, भार्गव और राघवम, जिस पर बड़े पुरस्कार में राष्ट्रपति पुरस्कार भी इसी पर मिला और इसी के आधार पर पद्म विभूषण भी मिला, भार्गव राघवम और गीत रामायणम, 2 महाकाव्य संस्कृत में और 2 महाकाव्य हिंदी में मेरे हैं, अरुंधति और अष्टावक्र। अच्छा, अष्टावक्र पर भी है? अष्टावक्र में मेरा महाकाव्य है। आश्चर्य यही, आनंद ये है कि संस्कृत का व्यक्ति हिंदी में महाकाव्य नहीं लिख सकता और हिंदी वाला संस्कृत में नहीं लिख सकता, और मैंने दोनों में लिखा है। सारा संसार जानता है, हमारे विद्यार्थी तो जानते हैं, सब रहे हैं मेरे साथ तीनों जने, कि आजकल सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि जब सीता जी के कहने पर हनुमान जी, अरे लक्ष्मण जी राम जी के पास आ रहे थे, तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, धनुष से रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने। सभी कहते कि लक्ष्मण रेखा मत लांघो,
परंतु उसी प्रसंग को गीता प्रश्न नहीं लिखा। मैं चिंतित, तो मैंने रामेश्वर प्रसाद भट्ट का संपादन देखा, रामेश्वर भट्ट का, तो उसमें था चहुदिश रेख खचाई अहिसा, बारह बार नाय पद शीसा, बन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण से श्याम। बताओ सार, एक और, सारा संसार जानता है कि रावण ने सन्यासी कपट सन्यासी का वेश बनाकर सीता जी से भिक्षा मांगी थी। सामान्य बच्चा भी जानता है राम कथा का, वो इन्होंने नहीं लिखा। तो चार चौपाइयां हमने ढूंढी, मिल गई रामेश्वर भट्ट के संपादन में। करी अनेक विध छल चतुराई, मांगी भीख दशानन जाई, अतिथि जान से कंद मूल फल देन लगी ते कीन बहुर छल, कह दस्कंठ सुनो मम बानी, बाधी भीख न ले सियानी, विधगत बाम काल कठिनाई, रेख नाग सी बाहर आई। बताओ कौन सा पाप मैंने कर दिया? नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य है, पर समस्या इस बात के कारण भारत की सबसे बड़ी मानसिकता है कि अच्छा काम कोई किसी से किसी का न तो देख सकता है न करने देना चाहता, उसका बस चले। तो हम आपके देख रहे हैं आपके ललाट पर, दिव्य ललाट, और दिव्य ललाट पर जो ये त्रिपुंड, हम तो त्रिपुंडे देखते हैं, नहीं, और जानते हैं आप क्या है, और जो गलती करें आप बताएं, जरा इसके बारे में बताएं। ऐसा है कि महत्ता है सत्य रज तम, किस तरह से ऐसा है कि वैष्णव ही सच्चा राष्ट्रभक्त होता है। मैं वैष्णव हूं और मैं कहता हूं पूरा संसार वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेने कही जो पीर पराई जाने दी। प्रदीप जी ने गीत लिखा था, इस मट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आज कौन इस मट्टी से तिलक करता है? कोई करता है? केवल वैष्णव तिलक करता। हम ये जो है तिलक श्वेत से देख रहे हैं, ये राम रज है, चित्रकूट का राम रज, राम जी के चरण की धूल, उसी से हम लोग चंदन बनाते, उसी से तिलक करते हैं। ये राम जी के चरण की रेखा, बाम लक्ष्मण जी के चरण की रेखा, ये सीता जी के चरण की रेखा लाल वाली, ये आसन गुरु का, ये हनुमान जी का स्थान। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, सात्विक ऊपर जाता है, ये देखिए ऊपर, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, ऐसे करने वाले बीच में वो रजोगुणी होती, जघन्य गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा, और जो बहुत नीचे तो ऐसे बिंदी लगा देते हैं। तो हम लोग, हम तो सात्विक है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, हमें भारत माता पर गर्व है, ये भारत माता की माटी है जो अपने मस्तक पर रखते हैं, यानी मस्तक में ललाट भर ब्रह्म रंग रतन, ये चीज ये जो है हमें दिखती है, इसका कुछ महत्व है, बहुत कुछ वैज्ञानिक निश्चित निश्चित तीनों जो हमारी नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, वे गलत मार्ग पर न जाए, उनको नियंत्रित करने के लिए, शीतल करने के लिए तिलक लगाया जाता है। वैष्णव का एक और दूसरा तरफ आप दंडधारी, हाँ, ये दंडधारी को इसको जो एक त्रिदंड है, त्रिदंड मैं बता रहा, सन्यासी दो होते हैं, त्रिदंडी और दंडी, और सत्य एक शास्त्र को देखा जाए तो त्रिदंडी ही सन्यासी होता। तो शंकराचार्य ने हमसे अलग करने के लिए दंड की नई परंपरा बनाई है त्रिदंड। इसलिए मधुसूदन सरस्वती ने त्रिदंडी की व्याख्या लिखी, वाक दंडोथ मनोदंड काय दंडस तथे उचय, यस्यते नियता दंडा स त्रिदंडी कथते, वाणी शरीर और मन, ये तीनों जिसके राम प्रेम के सूत्र में बंधे होते वो त्रिदंड होता है। अब इसमें तीन दंड हैं, एक वंश दंड है बांस का दंडा, एक है पलाश दंड धाक का दंडा, एक बिल्लो दंड। तो बांस के दंड में हमारे यहाँ राम जी की स्थापना होती है, और पलाश के दंड में ढांक वाले दंड में लक्ष्मण जी की, और बिल्लो के दंड में सीता जी की। तो राम सीता राम लक्ष्मण की हमारे यहाँ उपासना है रामानंदाचार्य संप्रदाय में, वही हमारा त्रिदंड है। श्री रामानंदा संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय में एक तीसरी और जो है त्रिमूर्ति के रूप में एक तीसरी जो है और है, वो माला को धारण करने के लिए, जप करने के लिए, जप की आराधना जो है उसको श्रेष्ठ बताया, और जैसे कि भावातीत ध्यान है, ध्यान करते हैं, ऐसा है, ऐसा है कि सही सही देखा जाए तो श्री रामानंद संप्रदाय ही आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के निर्माण उपयोगी है। आजकल जो तो लोग चिल्ला रहे हैं सवर्ण अवर्ण और भिन्न भिन्न विधेयक कड़े से कड़े बनाए गए, जो
उससे तो कहा था न्यायालय ने कि पहले समीक्षा करके फिर कहा नहीं नहीं सीधे पहले दंड दे दो फिर समीक्षा करते रहना, जबकि ये एक गलत संदेश है, मैं तो कहूँगा गलत संदेश है ये, ऐसा नहीं होता। अरे अपराध का निर्णय करके दंड दिया जाए, प्राण दंड दिया जाए ठीक है, और मान लो किसी ने झूठा कह दिया सीधे आपने जेल में ठूंस दिया और निर्णय नहीं किया, कोई मीमांसा नहीं किया, तो पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है। परंतु हमारे यहाँ पर अवर्ण सवर्ण था ही नहीं। रामानंद संप्रदाय कहता है कि जो भी भगवान का भजे वो भगवान का है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति वर्ग का हो। इसीलिए रामानंदाचार्य ने अनंतानंद जैसे ब्राह्मण को भी अपने अपना शिष्य बनाया और कबीरदास जैसे जुराहा को भी, धना जी को भी जो वैश्य कुल के थे, पीपा जैसे क्षत्रिय कुल के, रहदास जैसे सामान्य हरिजन को जिसे आजकल कहते हैं, नई नई बात की। हमारे यहाँ वर्ण था, देखिए सवर्ण अवर्ण हमारे यहाँ नहीं था, दलित नहीं था, फिर मैं कह रहा हूँ दलित हमारे यहाँ नहीं था। इन नेताओं ने अपनी रोटी सेकने के लिए कल्पना कर डाली, हमारे दलित नहीं था, शोषित नहीं था, सवर्ण अवर्ण नहीं था, अवर्ण नहीं था, वर्ण था। गोस्वामी जी ने कह दिया चतुराई चतुराई चूल्हो परे भारो परे अचार, तुलसी भजे जो न राम को चारु वर्ण चमार। चाम को भजने वाला चमार, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, राम को भजने वाला राम जी का। तो रामानंद संप्रदाय ने जितना बड़ा काम किया उतना काम किसी ने किया नहीं। और मैं मानता हूं आज भी, मैं तो स्वयं कह रहा हूं जात के आधार पर आरक्षण बहुत घिनौनी बात है। हमसे कहते हैं जाति बात समाप्त करो, अरे तुम करो समाप्त, जात के नाम पर जो आरक्षण लग रहा है उसको छुड़ाओ, हम हरिजन के हर रोटी खाने को तैयार, हम तो मान ही रहे हैं, हमारे यहां कोई भेद नहीं है, हमने सबको गले से लगाया। क्या गुरु को वशिष्ठ जी ने गले से नहीं लगाया? आप अपने जरा धरती पर जाइए, जिस धरती से आप निकले, माँ की गोद से बाहर आए, जौनपुर की वो धरती, वहां से जब निकल करके चित्रकूट की तरफ पहुंचे, तो जरा कुछ स्मृतियों में कुछ हो। मैं कभी स्मृति को मैंने एक छंद में बद्ध किया है, कंटक वृंद के बीच खिले अलिगुंजन को अनुकूल बने हम, आतप शीत बयार सहे पशुओं के लिए प्रतिकूल बने हम, मालिक माला की शोभा बढ़ाकर भामिनी केश दुकूल बने हम, वीरेंद्र जी जीवन की बगिया में अहो शतशूल सहे फिर फूल बने हम। अगले अंक में फिर मिलेंगे हम किसी विशेष विद्वान के साथ अपनी विशेष चर्चा में इसी कार्यक्रम में, देखना न भूलिए।